अब भारत में बनेगा रूस का ये खतरनाक हथियार, पलक झपकते ही दुश्मन ढेर। वहीं पाकिस्तान नहीं आया बाज, 2021 के मुकाबले इस साल सीमा पर दोगुनी हुई ड्रोन एक्टिविटी, ये है मकसद। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती जहां सदियों से चली आ रही है, और इस दौरान कई लोगों ने दोनों के रिश्तों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा हो ना सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद रूस के साथ रिश्ता काफी मजबूत हुआ। पीएम मोदी की दोस्ती जगजाहिर है। यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ भारत को जाने के लिए अमेरिका से लेकर दुनिया के कई बड़े देशों ने कहा, लेकिन दोनों देशों की दोस्ती को कोई हिला ना सका। भारत के रक्षा क्षेत्रों में रूस का काफी अहम योगदान भी है। अब इसमें एक और बड़ा योगदान शामिल होने जा रहा है। जंग के बीच भी रूस अपनी दोस्ती निभा रहा है। अब भारत में 2022 खत्म होते होते रूस के AK-203 राइफल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये AK-47 का भी बाप है। इतना जान लीजिए कि इसमें से गोलियां बिजली की स्पीड से निकलती है। AK-203 आ जाने से भारत की सेनाओं की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत रूस संयुक्त एंटरप्राइज की ओर से उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रूसी मूल की क्लासनिकोव असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। रूस की सरकारी डिफेंस यूनिट रोसोबोर्न एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर मिखेव ने इसकी जानकारी दी है। पिछली बार जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब भारत और रूस के बीच इस राइफल को लेकर 5100 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई थी। AK-203 दुनिया की सबसे घातक और कामयाब राइफल AK-47 का एडवांस वर्जन है। AK-203 का वजन सिर्फ 4 किलोग्राम होता है, जिसे एक से दूसरी जगह पर लेकर जाना आसान हो जाता है। ये बंदूक भारत के डिफेंस फ्यूचर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, AK-203 राइफल कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इसमें से गोली बिजली की स्पीड से निकलती है। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आती हैं, जो 400 मीटर के दायरे में अपने टारगेट पर निशाना साध दे तो उसका बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। AK-203 का नाम पहले AK-103M था, लेकिन बाद में इसे ये नाम दिया गया। AK-203 वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली इंसेंस राइफल के मुकाबले में काफी हल्की होने के साथ छोटी भी है। साथ ही इसमें पैकेटोनी रेल भी लगा सकते हैं, जिसमें नाइट विजन या दूसरा निशाना लगाने वाले स्कोप सेट किए जा सकते हैं। इस डील के तहत भारतीय सेना और पैरामिलिट्री बलों के लिए 6,00,000 राइफलें बनाई जाएंगी। भारतीय सेना इस वक्त 1990 से DRDO द्वारा बनाई गई इंसेंस राइफल इस्तेमाल कर रही है। वर्तमान में जो इंसेंस राइफल इस्तेमाल की जा रही हैं, उसमें 5.56x45mm कैलिबर की गोलियां लगती हैं, जबकि AK-203 में 7.62x39mm की गोलियां लगाई जाती हैं। ये एक सेकंड में 10 गोलियां दाग सकता है। इंसेंस जाम हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया AK सीरीज पर बहुत भरोसा करती है, क्योंकि आज 50 से ज्यादा देश AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं। AK-47 के बाद देश की पहली पसंद AK-203 बन रही है, जिसका निर्माण ना सिर्फ भारत में होने जा रहा है, बल्कि 30 से ज्यादा देश इसे बनाने का लाइसेंस ले चुके हैं। अब दोस्तों, चलिए आपको सबसे पहले AK-47 की खासियतें बताते हैं, क्योंकि AK-47 AK सीरीज की सबसे सफल राइफल है। AK-47 की बात करें तो ये AK सीरीज की सबसे सफल राइफल है। पहला, इसका वजन बेहद हल्का है। फुल लोड होने के बाद भी ये सिर्फ 4 किलोग्राम की होती है। दूसरा, 1 मिनट में इससे 600 राउंड गोलियां दागी जा सकती है। तीसरा, एक बार में AK-47 में 30 गोलियां भर सकते हैं। वहीं AK-47 सबसे ज्यादा इल्लीगल तरीके से बिकने वाली राइफल भी है। इसका इस्तेमाल दुनिया के ज्यादातर आतंकवादी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका रख रखाव बेहद आसान और सस्ता होता है, और इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लासनिकोव 47 है। इस रूसी राइफल का आविष्कार मिखाइल क्लासनिकोव ने 1947 में किया था। इसी वजह से इसका नाम AK-47 रखा गया। भारत के अलावा इजराइल, चीन, मिस्र और नाइजीरिया जैसे देशों में AK-47 राइफल बनती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चीन में होता है। हल्की और छोटी होने के बावजूद भी ये बेहद शक्तिशाली और खतरनाक होती है। इससे निकली गोली हल्की दीवारों और मेटल की चादरों को भी पार कर सकती है। AK-47 से निकलने वाली गोली की रफ्तार 700 मीटर प्रति सेकंड होती है। सिर्फ 8 पुर्जों से बनी इस राइफल को सिर्फ 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। भारत में बनने वाली AK-203 राइफल इसी AK-47 का नया और एडवांस रूप होगा। वेल, दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जिस तरह से AK-47 कई सालों से दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए है, वैसे ही AK-203 भी होगी? और ये कितनी ज्यादा भारतीय सेना के लिए कारगर साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर कड़ी निगरानी के चलते अब पाकिस्तान हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब तस्करी के लिए ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सीमा पर ड्रोन एक्टिविटी दोगुनी हो चुकी है। दरअसल 2021 में जहां 109 ड्रोन की एक्टिविटीज को देखा गया, वहीं इस साल सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 214 हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और कश्मीर की सीमा पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। 2021 से इस साल सितंबर तक कुल 323 बार भारत पाकिस्तान सीमा और LOC पर ड्रोन देखे गए। भारत पाकिस्तान सीमा की बात करें तो गुजरात सीमा के करीब 6 बार, जम्मू के करीब 51 बार, राजस्थान सीमा के करीब 24 बार और सबसे ज्यादा पंजाब सीमा के करीब 236 बार ड्रोन देखे गए। वहीं LOC की बात करें तो 2021 से इस साल सितंबर तक जम्मू में 2 बार और कश्मीर में 5 बार ड्रोन देखे गए। इस साल अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने कुल 11 ड्रोन मार गिराए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI ने LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उस पार ड्रोन हब तैयार किए हैं। जानकारों के मुताबिक सीमा पार स्मगलरों और आतंकियों के सहयोग से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ऐसे ड्रोन सेंटर खोले। फिरोजपुर और अमृतसर के बीच कई पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। सूत्र बताते हैं कि सीमा के उस पार कई जगहों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से स्मगलर ड्रोन उड़ाते हैं। वहीं GPS कंट्रोल वाले ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी और स्मगलर कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसलिए भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब देने और अपने डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर तेजी से कदम उठा रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का जवाब दे सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों ये थी खबरें रूस के द्वारा भारत में AK-47 के एडवांस वर्जन AK-203 के प्रोडक्शन की, जहां भारतीय सैनिकों के हाथों में अब दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल देखने को मिलेगी, जिससे हर समय और सटीकता से दुश्मन पर निशाना साधा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से भारत की तरफ ड्रोन हमले कर तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।